हमारी नई गाड़ी मतलब हमारे फैमिली में एक नए मेंबर की एंट्री। आपकी पहली गाड़ी कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबकी प्राइस लाइकिंग और चॉइस अलग अलग होती है। बट अगर सही मायने में देखा जाए तो आपकी पहली गाड़ी एक गाड़ी नहीं एक इमोशन होती है और आज हम उसी इमोशन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ये गाड़ी आने के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। बात है नवंबर 2019 की जब फोन ऐसी स्क्रॉल करते करते आई केम अक्रॉस द लॉन्च ऑफ टाटा अल्ट्रॉस और टैगलाइन में लिखा था द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मैं इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। अल्ट्रॉस का लॉन्च 22 जनवरी 2020 को हुई थी और मैंने पूरा लॉन्च बैठ के देखा था क्योंकि आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट दिस कार। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को देखा था इसके डिजाइन पे मेरा दिल आ गया था। एवरीथिंग इन दिस कार वाज वेरी अपीलिंग। कार के लॉन्च होने के बाद मैंने बहुत सारे रिव्यूज के रिव्यू सब देखे और सब रिसर्च सब करने के बाद ये तो फाइनल हो गया था कि अगर हम लोग कोई गाड़ी लेंगे तो वो टाटा अल्ट्रॉस ही रहेगा और कुछ नहीं। फाइनल तो मैंने कर लिया था बट पेमेंट तो पापा और मम्मी को ही करना है ना, तो मैं गया मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए कि हम लोग एक गाड़ी लेते क्योंकि अभी तो हमारे पास एक बाइक है और हम चार लोग एक ही बाइक पे बैठ के जाना इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल और वो सेफ भी नहीं है। एक शॉर्ट बैकग्राउंड कि कार से पहले हम लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे, तो मैं मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा हम चारों एक बाइक में ट्रैवल किया करते थे। मैं 10th पास करने के बाद मम्मी पापा के बीच में बैठ के मेरे को बाहर जाने बहुत शर्म आता था तो मैं तो बाइक पे ट्रिपल सीट जाना बंद ही कर दिया था। बाइक के अलावा भी काफी ट्रैवल ऑप्शन थे जैसे कि ऑटो। ऑटो में हम चार लोग जाते थे बट मेरे छोटे भाई का हम लोग के गोद में बैठना पड़ता था और हर जगह ऑटो इजीली मिलता भी नहीं था। वो सब देख के मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता था कि हमारे पास एक गाड़ी तो रहनी चाहिए कंफर्टेबली ट्रैवल करने के लिए। और जब हम लोग बारिश में ट्रैवल करते थे बाइक पे तब मुझे लगता था कि एक दिन हमारे पास भी गाड़ी रहेगा और हम भी बारिश धूप धूल मिट्टी से बच के आराम से एसी के ठंडे हवा में बैठते हुए जाएंगे। अल्ट्रॉस के लॉन्च के बाद ही मैंने पापा को गाड़ी के डिटेल्स दिखाया और उन्होंने बोला ओके देखा जाएगा करके। और ये एपिसोड करीब 3 साल तक चला, मतलब कोई ऐसा एक दिन नहीं गया रहेगा जिस दिन मैंने अल्ट्रॉस का नाम ना लिया। हर दिन अल्ट्रॉस के बारे में मम्मी पापा को कन्विंस करने का ट्राई करता। मम्मी पापा को गाड़ी के फीचर्स, वीडियो, सेफ्टी रेटिंग, एयरबैग जितने भी फीचर्स है सब दिखाता था और जब भी गाड़ी रोड पे दिखती थी तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता था अल्ट्रॉस भाई क्या गाड़ी है। और इतने बार अल्ट्रॉस करने के बाद मम्मी पापा के मन में भी अल्ट्रॉस को लेके थोड़ी सी लाइकिंग चालू हो गई थी। और रोज 3 साल तक अल्ट्रॉस करने के बाद फाइनली पापा ने बोला कि जाके अल्ट्रॉस देख ही लेते हैं। हम लोग शोरूम में गए और देखते ही देखते धीरे धीरे बजट भी हम लोग का फाइनल हो गया। आप बोलोगे अल्ट्रॉस ही क्यों, कोई और गाड़ी क्यों नहीं, तो प्रीमियम हैचबैक की रेंज में हमारे पास 3 गाड़ी है। पहला मारुति बलेनो, दूसरा i20 और तीसरा अल्ट्रॉस। बलेनो की इंटीरियर एक्सटीरियर मुझे कुछ ज्यादा खास लगी। इंटीरियर में बहुत सारा हार्ड प्लास्टिक है, पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर है और हम चारों को ये इंटीरियर पसंद नहीं आया। और दूसरा ये सेफ्टी में भी इसमें कुछ है नहीं। दूसरी थी नई वाली i20। नई वाली i20 का डिजाइन बहुत ही सुपर और बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी है। इस पे हमारा दिल आने वाला था बट हमें लगा कि हमें एक और सेफ गाड़ी मिलनी चाहिए और i20 का प्राइसिंग अल्ट्रॉस से ज्यादा भी था और हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो डिसेंट परफॉर्मेंस दे और कंफर्ट में भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और साथ ही साथ सेफ्टी भी दे। तो टाटा अल्ट्रॉस से अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता था। अब अल्ट्रॉस दिखने में तो फुल मार्क्स स्कोर करती करती है बट साथ ही साथ ग्लोबल एनकैप में इसने 5-स्टार रेटिंग सेफ्टी पाई थी और इसकी इंटीरियर भी बहुत ज्यादा सुंदर है। आप नजर तो डालिए गाड़ी पे। You ain't tryna grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record. गाड़ी दिखने में तो बहुत अच्छी है ना। हाँ मुझे पता है अल्ट्रॉस को कंसीडर करने का सबसे पहला रीजन था इसकी ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग।
हमें एक बहुत ही सेफ गाड़ी चाहिए थी। इंडिया की वन ऑफ दी सेफेस्ट हैचबैक है अल्ट्रॉज। इतनी स्पोर्टी और इतनी कूल डिजाइन इस प्राइस में जो मैंने और किसी गाड़ी में देखी नहीं है। और ये जो ओपेरा ब्लू कलर है ये तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। एक अलग ही रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का, हर आदमी एक बार तो मुड़ के देखता ही है इस गाड़ी को। गाड़ी के इंटीरियर में भी काफी सॉफ्ट टच मटेरियल्स है और एक बहुत ही प्रीमियम फील देता है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको। और तीसरा रीजन था इसकी स्पेस। इस गाड़ी के पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि इसका फ्लोर पूरा फ्लैट है, तो 5 लोग इस गाड़ी में आराम से बैठ के दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये थे मेन रीजन इसको कंसिडर करने के। अब गाड़ी तो बुक हो गई बट ड्राइविंग भी तो आना चाहिए ना, तो मैंने पापा को बहुत फोर्स किया कि कोई मोटर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करके ड्राइविंग सीख लो। बहुत फोर्स करने के बाद पापा ने वो मोटर ट्रेनिंग स्कूल फाइनली ज्वाइन किया। और ये पूरा सेशन 20 दिन का था और रोज आधा घंटा हमें ड्राइविंग करने मिलता था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिसमें मैं पापा के साथ ड्राइविंग करने नहीं गया था। देखते ही देखते 20 दिन खत्म हो गए और फाइनली डिलीवरी डेट आ ही गया। ट्रस्ट मी, आई वॉज वन ऑफ दी मोस्ट एक्साइटेड और दिल में एक अलग से धक धक हो रहा था क्योंकि आज के दिन के लिए मैं पिछले 3.5 साल से वेट कर रहा था। और जब हम ऑटो से शोरूम की तरफ जा रहे थे मेरा दिल में बहुत ज्यादा धक धक हो रहा था। और जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अपनी गाड़ी देखी तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही फीलिंग था, मतलब वो वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, एक अलग ही फीलिंग था उसका। हम लोग ने गाड़ी को बाहर से सब देख लिया, फिर शोरूम के अंदर जाके पेपर वर्क और जो भी फॉर्मेलिटीज है हमने वो सब की और फिर वहां से केक कटिंग करके हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं। शोरूम से तुरंत हम लोग गाड़ी लेके गए मंदिर क्योंकि पूजा भी इम्पोर्टेंट थी ना। और फिर वहां से घूमते घूमते हम लोग घर आ जाते। ये वीडियो बना के मैं कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहता। जब मैंने यूट्यूब चालू किया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब हमारी पहली गाड़ी आएगी तब भी मैं उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पे स्टोर करूंगा। एंड दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड आवर फर्स्ट कार।